सेना के शीर्ष कमांडरों का आज से 4 दिवसीय सम्मेलन लद्दाख और आंतरिक सुधारों पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा बोले, पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की तेजस्वियों की घोषणा, शुद्ध तौर पर जुमला। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित 2052 नए रोगी मिले, कुल आंकड़ा 4,70,000 के पार। बुलंदशहर में 2 प्रत्याशी भिड़े, चंद्रशेखर ने लगाया फायरिंग का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुलायम सिंह यादव ने दी कोरोना वायरस को मात, मैदानता से डिस्चार्ज होकर लखनऊ पहुंचे। कानपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व रिजेंसी हॉस्पिटल को बंद कराने की धमकी, शेरफेरा आसिफ गिरफ्तार। मथुरा में बड़ी घटना, दंपति को जिंदा जलाने की कोशिश, मकान में लगाई आग। छत्तीसगढ़ में 4 इनामी समेत 32 नक्सलियों का समर्पण, बारसूर इलाके से एक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश ग्वालियर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, केस दर्ज। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में ताइवान में प्रदर्शन, चीन के खिलाफ मार्च निकाला।